अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार एक वीडियो के साथ मैं चैनल शामिल करता हूँ। आज आपके साथ एक नई अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी में ज़बरदस्त वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द अनहोत्र दर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज छोटा ट्राइबमेंट की तरफ बिना तखिर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि बहुत सारी समझ आ सकें। सबसे पहले अगर बात की जाए असिस्टेंट BPS 15, इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आफ्टर सेलेक्शन आपको 6 हफ्तों का कोर्स जो है NAIB में करना पड़ेगा। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट, लेकिन इसमें टाइपिंग जो स्पीड है वो आपकी 40 वर्ड्स मिनट और आपकी शॉर्ट हैंड जो स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। माइक्रो फिलिंग असिस्टेंट BPS 13, इनके लिए अगर आपके पास BSc आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में किया है, माइक्रो फिलिंग में आपने ट्रेनिंग या तजर्बा किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। FAC अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रो फ्लैशिंग में सर्टिफिकेट तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 साल जो है तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए लाइब्रेरी असिस्टेंट BPS 12, जो कि इनकी यदि अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। UDC BPS 11 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग आपके कंप्यूटर पर लिया जाएगा और इसके बाद 3 हफ्तों का NAIB कोर्स भी करना पड़ेगा। LDC आफ्टर सेलेक्शन LDC BPS 9, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेट्रिक होनी चाहिए, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड जो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एंड आफ्टर सेलेक्शन आपको 1 साल के अंदर NAIB से 3 हफ्तों का कोर्स जो करना होगा। ट्रेसर BPS 5, इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मेट्रिक पास होनी चाहिए। फर्नीचर वार्डन BPS 5 मेट्रिक पास होनी चाहिए। नायब कासिद BPS 1 प्राइमरी पास होनी चाहिए। ऑन स्टॉकर वर्कमैन BPS 1 प्राइमरी पास होनी चाहिए। माली BPS 1 प्राइमरी पास होनी चाहिए। सांतरी वर्कर्स BPS 1 प्राइमरी पास होनी चाहिए। अब अगर आप इनकी डिटेल्स की बात की जाए तो 1 से 5 तक जिस स्केल की जो असामियाँ हैं उनको मकामी बुनियादों पर यानी ओपन मेरिट पर इनकी जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इनके लिए अगर बात की जाए तो फर्नीचर्स वार्डन जो स्कॉटमैन और माली की जो भर्तियाँ वो इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन में की जाएगी, और नायब कासिद सांतरी वर्कर्स की जो भर्ती हैं वो कराची के रहायशियों के लिए हैं। और 1 से 5 स्केल तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, वो अपने मकामी जो मतलब दफ्तर में वहाँ से आप जो है दरख्वास्त लेकर वहाँ से उनको जमा करा सकते हैं। अब अगर मज़ीद बात की जाए एकेडमिक टीचर्स BPS 15 BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी में किसी मनसन इदारे से आपने 2 साल पढ़ाने का तजर्बा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अहमद अन खातिन मशीन सुपरवाइज़र BPS 15 सेंट दही के लोग सेकेंड आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2nd डिवीजन के साथ होनी चाहिए। इनके साथ अगर बात की जाए लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स RB, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर जो डिग्री है वो आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो भी आपकी RB में, लेकिन आपके साथ इसके लिए जो है पढ़ने का तजर्बा भी हो। सब इंस्पेक्टर BPS 14, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इनके साथ अगर मजीद बात की जाए स्पोर्ट कोच शॉटिंग BPS 14 मैट्रिक पास होने चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ अगर मजीद बात की जाए तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट BPS 12 BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री में होनी चाहिए, जो कि आपके किसी भी इदारे से होने चाहिए, और इसमें केमिकल लेबोरेटरी मेटेरियल के लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर मजीद बात की जाए असिस्टेंट एग्जेक्टिव मैन, इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो FAC होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्जेक्टिव मैकेनिकल एक एनिमिनेशन है एक मैकेनिकल है, दोनों के लिए मैकेनिकल के लिए मैट्रिक होनी चाहिए। UDC BPS 11 इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। फोटोग्राफर BPS 10 मैट्रिक पास होनी चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर BPS 9 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। डेडी हेल्थ वेटर्स जो हैं इनके लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर BPS 9 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी BPS 8 मैट्रिक पास होनी चाहिए। सीनियर टाइम कीपर BPS 7 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी लेबॉरेटरी असिस्टेंट BPS 7 FAC पास होनी चाहिए। बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर BPS 7 मैट्रिक पास होनी चाहिए। मॉल लाइफ BPS 7 मैट्रिक पास होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट BPS 7 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। सांसरी इंस्पेक्टर BPS 6
मैट्रिक पास होनी चाहिए। अब आप लोगों ने इसके अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका आपने मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसे ही आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे वहाँ पर अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने उनके लिए रजिस्ट्रेशन कर देनी, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो 72 घंटे के अंदर अंदर आपके जो रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल 2022 है, यानी 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना मदद बन लीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से बंदे को फायदा हो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आसानी मिलता रहे। हमारे आने वाले वीडियोज़ के आने तक अपना और अपने दोस्तों करके बहुत सारा ख्याल। तब तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।